हेलो एनिमी फैंस, वेलकम टू एसकेएफ। आज हम एक नए मांगा पढ़ेंगे। ये मांगा है ड्रैगन बॉल काकुमी। इस मांगा को रिनुको ने लिखा है। अगर आप तो ये कहानी शुरू होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद। एक तरफ सन गोकू और फ्रीजा लड़ाई कर रहे होते हैं और वो तीनों आपस में घिर गए। जीवित रहने का सारा भार उनके कंधों पर था। जिन और वीरस इसे देखकर चिल्लाता है और कहता है, चलो आगे बढ़ो। और दोनों मिलकर जिन की धुनाई करते रहते हैं और दोनों लगातार लाते और घूंसे बरसाते रहते हैं जिन के ऊपर। और जिन भी कुछ कम नहीं, वो भी हार नहीं मानता और फिर से हमला करने के लिए आ जाता है। पर लास्ट में जेरन और एंड्रॉयड 17 की लड़ाई चलती रहती है और ये लड़ाई इतनी खतरनाक रहती है कि पूरा अरीना तबाह होने लगता है। और ये देखकर जेनोसामा भी खुश होते हैं और अचंभित रहते हैं। पर ये कम नहीं था, जेरन और ताकत से लड़ाई करते रहता है और दूसरी तरफ गोकू और फ्रीजा भी लड़ाई करते हैं। ये देख बीरस हक्का रक्का रहता है और बेलमोट कहता है, आराम से जेरन। और बेजिटा चिल्लाता है, जाओ कैकरोड। और फ्रीजा और गोकू साथ में मिलकर लड़ाई करते रहते हैं और लास्ट जब वो दोनों साथ में रहते हैं और कहते हैं, सुपर सेन सन गोकू और गैलेक्टिक तानासा, फ्रीजा के बीच गठबंधन ने अंतर जीरन द ग्रेट को उसकी हार का कारण बना दिया। और इतनी ताकत से दोनों लड़ते हैं कि आधा अरीना इधर उधर टूटने लगता है और सारे पत्थर पूरे गैलेक्सी में इधर उधर गिरने लगते हैं। ये देख लास्ट में आखिरकार एंड्रॉयड 17 जीत जाता है और यूनिवर्स 7 की जीत होती है और उसकी इच्छा होती है कि वो सुपर ड्रैगन बॉल से बाहर में मिलना है। इच्छा एंड्रॉयड 17 द्वारा की गई और उसकी इच्छा ही थी। सभी मिटाए गए, ब्रह्मांड पुनः स्थापित हो गए और ये सुपर ड्रैगन बॉल ने किया। गोकू और जिरन की ये अनचाही लड़ाई हमें देखने को मिली और फिर कहानी जाती यूनिवर्स 7 में, जहाँ कहीं लड़ाई चलती रहती है। और फिर दिखता है बीरस का प्लैनेट, जहाँ विस और मछली बात करते रहती है। और विस कहता है, सच कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन उसके जैसा मॉर्टल से मिलूंगा। और फिर मछली कहती है, पिछले वर्षों में गोकू की शक्ति में वृद्धि वास्तव में प्रभावशाली है। और फिर अलग जगह एक लड़ाई चलती रहती है और ये लड़ाई और किसी की नहीं, बीरस और गोकू की चलती है। और ये इतनी ताकत से लड़ते रहते हैं कि आसपास एक ताकत से भरी ऊर्जा पैदा होने लगती है और एक तरफ गोकू हमला करते रहता है तो दूसरी तरफ बीरस भी, और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसते रहते हैं। और फिर विश करता है, गोकू स्वयं देवताओं के स्तर तक पहुंच गया, हो सकता है कि वह इससे भी निकल जाए। और फिर बीरस और गोकू लड़ाई करते रहते हैं। एक तरफ बीरस हाथ से हमला करते रहता है तो दूसरी तरफ गोकू भी तेजी से हाथ से हमला करने लगता है और दोनों एक दूसरे को पंच और लाते मारते रहते रहते हैं और एक दूसरे को ब्लॉक करते रहते हैं। पर इतनी ताकत से गोकू ने बीरस को इतनी ताकत से मारा कि वो एक दूसरे प्लैनेट पे जाके सीधा लगा और वहाँ गड्ढा हो गया। पर फिर भी बीरस हार नहीं माना और वो गुस्से में आते रहता है। तभी नीचे से गोकू भी उसकी तरफ तेज़ी से जाते रहता है और वो दोनों से इतना जोर से टकराते हैं कि वहाँ की प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर भी वो रुकते नहीं और वो पूरे गैलेक्सी में लड़ाई करते रहते और इधर उधर तेज़ी से लड़ते हुए जाते रहते हैं। और गोकू जाते रहता है, तभी बीरस ऊपर से आके उसके सिर पर एक ज़ोरदार लात मारता और गोकू सीधा नीचे की तरफ जाते रहता है और जाके सीधा प्लैनेट से टकरा जाता है। और फिर प्लैनेट को छेदते हुए दूसरी तरफ निकल जाता है और फिर जाके कहीं गिर जाता है। और फिर गोकू कुछ कहता,
उसकी शक्ति अद्भुत है, फिर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और बीरस ऊपर से देखता रहता है और वो देखता है कि फिर अब कहानी जाती है सुप्रीम काय के प्लैनेट के पास, और सुप्रीम काय कहते रहते हैं, इस लड़ाई का असर पहली लड़ाई से भी ज़्यादा है। और फिर कहानी जाती है हेवन में, जहाँ पे कहानी कहता है अगर ये लड़ाई जारी रही तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और इसकी ताकत बहुत अधिक है। फिर ओल्ड सुप्रीम काय कहते हैं, फिर भी गोकू की शक्ति में वृद्धि से कोई मदद नहीं मिलेगी। और सुप्रीम काय ये देख के कुछ सोचते हैं, और बीरस भी हंसता है और देखता है, और कहता है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम आखिरकार अपनी सीमा तक पहुंच गए हो सन गोकू। और तभी गोकू धीरे धीरे उठता है और विश कुछ कहता है, गोकू जीत की सफलता के लिए ऐसा लगता है कि इस बार वह उसके साथ फिर से लौटेगा। अब बीरस फिर देखता है और कहता है, शायद कुछ वर्षों में तुम तब तक आपके पास एक मौका होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का। और तभी गोकू की ताकत बढ़ने लगती है, और ये ताकत और कोई नहीं, गोकू कहता है, नहीं मैं मना करता हूँ, यह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और तभी गोकू अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है, और ये और कोई नहीं अल्ट्रा इंस्टिक फॉर्म रहती है। और